भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मां जगदम्बा को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, माता रानी की अद्भुत कृपा को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दौरान आपको ये फूल माता रानी को अवश्य चढ़ा देना चाहिए, जिससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाएगी और आपको मन चाहा वरदान प्रदान करेगी। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। चैत्र माह में एवं आश्विन माह में जो नवरात्रि होती है उसे प्रकट नवरात्रि कहा जाता है, और आषाढ़ माह में तथा माघ महीने में जो नवरात्रि आती है उसे गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस बार जो आश्विन माह में नवरात्रि है उसे शारदीय नवरात्रि के रूप से भी जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि का आरंभ 26 सितंबर से हो चुका है, जो कि 4 अक्टूबर 2022 महानवमी के दिन समाप्त हो जाएगी। पूरे 9 दिन की नवरात्रि है और 9 दिन की अलग अलग देवियां होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। भगवती जगदम्बा परांबा के 9 रूपों की जो संयुक्त देवी होती है, जिन्हें हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में त्रिगुणात्मक स्वरूप मां जगदम्बा के रूप में मानते हैं, पूजते हैं, और कलौ चंडी विनायको, कलयुग में चंडी और विनायक सबसे जल्दी फल देने वाले माने गए हैं। तो अगर आप अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, समस्याओं का अंत करना चाहते हैं, तो आपको भगवती जगदम्बा को नवरात्र के दौरान ये फूल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। ये गुड़हल का फूल जो कि माता को सबसे जल्दी जो है प्रसन्न करता है। मां भगवती इस पुष्प को प्राप्त करके भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करती है। माता का सबसे परम प्रिय पुष्प यदि है तो वो गुड़हल का फूल है, और गुड़हल का जो फूल है जो कि हम चित्र में आपको दिखा रहे हैं, इस फूल को माता रानी को आप समर्पण कर दीजिएगा। वैसे तो इस फूल को प्रायः गुड़हल का फूल ही कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे जवा कुसुम के नाम से भी जानते हैं, मालवेसी पुष्प भी इसे कहा जाता है। वैसे अधिकतम जो भक्तजन है उनको पता है कि माता रानी को यह पुष्प अत्यधिक प्रिय होता है, जिसे गुड़हल के फूल के रूप में जाना जाता है। गुड़हल का फूल मां जगदम्बा को सबसे प्रिय होता है। अगर आप 1 पुष्प या 5 पुष्प या 11 पुष्प, जितने भी पुष्प माता रानी को समर्पण कर देंगे, तो माता रानी आपके जीवन की समस्त इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देगी। तो नवरात्रि के किसी भी दिन, दिन में अथवा रात्रि के समय आप माता रानी के सामने शुद्ध और पवित्र अवस्था में बैठ करके गुड़हल का पुष्प हाथ में रख करके पहले माता रानी से प्रार्थना करें, और उसके बाद माता रानी को यह पुष्प आप समर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके मां जगदम्बा से आप प्रार्थना करें कि हे जगत जननी, हे परांबा, हे जगदम्बा, आपको हम आपका परम प्रिय पुष्प गुड़हल का पुष्प समर्पित कर रहे हैं, और आप महाकाली के रूप में हमारे शत्रुओं का मर्दन करें, हमारे रोगों को आप समाप्त करें, तथा महालक्ष्मी के रूप में हमारा घर धन धान्य समृद्धि से भरपूर कर देवे, हमारे घर में किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं आए, और माता महासरस्वती के रूप में आप हमको विद्या प्रदान करें, बुद्धि देवे, अच्छा ज्ञान देवे, और इस प्रकार आपके संयुक्त रूप को हम गुड़हल का पुष्प समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से आप जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे, और गुड़हल का यदि 1 पुष्प भी आपने नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से, सच्ची भावना से चढ़ा दिया, तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की
कोई भी समस्या अधूरी नहीं रहेगी, यानी आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और भगवती जगदम्बा आपको मन वांछित परिणाम अवश्य ही प्रदान करेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि भक्तों की इच्छाओं को यदि कोई सबसे जल्दी पूर्ण करता है तो वो मां जगदम्बा है। और जगदम्बा को यदि आप सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से एक गुड़हल का फूल भी यदि नवरात्र के दौरान कभी भी किसी समय शुद्ध और पवित्र अवस्था में अर्पण कर देते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। गुड़हल का फूल प्रायः सभी को सरलता से प्राप्त हो जाता है और यह फूल माता रानी को सबसे अधिक प्रिय है। अगर आपने नवरात्रि के दौरान गुड़हल का एक फूल माता रानी को समर्पित कर दिया तो आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, आपके घर में वैभव आएगा, आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और आपके घर में किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। आप इस बात पर विश्वास रखिएगा, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, जब हम विश्वास रखते हैं तो हमें फल की प्राप्ति होती है। और माता रानी तो जो है आपके विश्वास को ही देखती है। आपके पास धन है, वैभव है या नहीं है तो भी आपको जो है माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती है, बस आपका विश्वास चाहती है, आपकी भावना चाहती है, आपकी श्रद्धा चाहती है। जब आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से माता रानी को गुड़हल का पुष्प नवरात्रि में अर्पण कर देंगे तो आपके जीवन की समस्त इच्छाओं को माता रानी अवश्य ही पूर्ण कर देगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप कन्या भोज के निमित्त या फिर नवरात्रि के निमित्त या फिर आप नवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त करने के निमित्त कोई भी धन राशि यदि हम को प्रदान करना चाहते हैं, हमें आप दान पुण्य करना चाहते हैं, कन्या भोजन अपनी ओर से करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के नाम से भेज करके और नगद राशि पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से भेज करके नवरात्र का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।